नमस्ते लिसनर्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो शीर्षक है वो अडैप्टिव रेडिएशन है, जो कि फ़िश बायोलॉजी का टॉपिक है, और इसके हम चार पार्ट्स पहले ही कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से फिशेज़ में ऐसी अडेप्टेशंस हुई जिससे कि वो अपने आप को किसी भी प्रेडेटर से बचा सकें, अपनी रक्षा कर सकें। क्योंकि वैसे तो क्या है कि प्रोटेक्शन के लिए फिशेज़ को, जैसा कि पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि उनमें कई फिशेज़ में स्विफ्ट स्विमिंग यानी कि जल्दी जल्दी तेज़ स्विमिंग की भी उनको जो एक तरह से बून है वो मिला हुआ है। कुछ फिशेज़ में पावरफुल जॉज हैं, कुछ में अच्छे रिसेप्टर्स हैं, ब्रेन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन कुछ फिशेज़ में ये सब अवेलेबल नहीं होता है, और ऊपर से कुछ फिशेज़ में जो पहले उनके हैं जो आर्मर जो कि हुआ करता था, जिसमें कि सॉलिड स्कूट्स हुआ करते थे जो कि उनको प्रोटेक्ट करते थे, कई में वो भी विद एवोल्यूशन वो डीजनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उन फिशेस के अंदर आर्मर भी नहीं था, ठीक है, और या नहीं है, लेकिन उस केस में ऐसे फिशेस को और तरीके के प्रोटेक्टिव जो अडेप्टेशंस हैं वो उनको मिल गए। ठीक है, अब क्या है कि कुछ जो डिवाइसेस हैं प्रोटेक्टिव फिशेस के अंदर वो क्या हैं कि एक तो है कि उनके सरफेस पर जो स्केल्स हैं या स्कूट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, या उनके बॉडी सरफेस पर कंटीले जो मतलब जिनको स्पाइंस कहते हैं, जो कि शार्प स्पाइंस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और जो जहरीली ग्रंथियां हैं कुछ फिशेस में वो प्रेजेंट होती हैं। कुछ फिशेस के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, कुछ में ल्यूमिनस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और कुछ में कलर्स इस तरीके के हैं कि वो अपने आप को मिमिक्री कर सकते हैं या अपना कलर इस तरह से चेंज कर लेते हैं कि वो सरफेस के अकॉर्डिंग हो जाता है और अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब अगर फर्स्ट पॉइंट लेंगे अपन, वो है स्केल्स हैं और बोनी प्लेट्स हैं और आर्मर है। अब जो साइक्लॉइड टीलियोस्टिन स्केल्स जो होते हैं वो कई बार आपने पढ़ा होगा, इवन आपने यूजी में भी ये चीज़ की होगी कि तीन तरह के स्केल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है प्लेकॉइड स्केल्स, जो कि इलेस्मोब्रैंक्स में या कार्टिलेजियस फिशेज में प्रेजेंट होते हैं। फिर साइक्लॉइड स्केल्स, जो कि बोनी फिशेस में होते हैं, इसका एग्जांपल है लेबियो। फिर टेनॉइड स्केल्स बहुत सारे फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, और गेनॉइड। ये सारे जो स्केल्स हैं ये बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, और इस तरह से जो बॉडी है और उसके जो विसरल ऑर्गन्स हैं फिश के वो इनके द्वारा बच जाते हैं। अगर ये मान लीजिए कहीं टकराते हैं या इनको प्रेडेटर अटैक करता है तो कई बार जो है वो बच जाते हैं, अंदर की तरफ उनके नहीं लगती है, स्केल एक तरह से कवच बना लेता है। फिर बोनी प्लेट्स भी जैसे प्रेजेंट होती हैं इसमें, और जो स्केल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि फ़िश के मूवमेंट को रोकें, ऐसा नहीं होता है। फ़िश के मूवमेंट में किसी भी प्रकार से स्केल्स का कोई हिंड्रेंस नहीं होता है। कुछ जो स्केल्स के जो एजेस होते हैं उनमें स्पाइंस जैसे प्रेजेंट होते हैं, और जैसे कि टीनॉइड स्केल है उसमें स्मूथ सरफेस नहीं होता है, उसके जो सरफेस होता है उसमें थोड़े से स्पाइन या कांटे निकले हुए होते हैं। कुछ में बहुत ही स्ट्रक्चर ऐसा होता है उनका कि देख करके बड़ी हैरानी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पफर फिश है या डायोडॉन पॉर्क्यूपाइन फिश है, उसमें क्या होता है कि जो उनके जो स्पाइंस हैं है ना,
वो क्या होता है कि एक इस तरह के स्टैंडिंग से स्पाइंस होते हैं और पल्प कैविटी भी उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या होता है कि उस ग्लोब फिश में और पॉर्क्यूपाइन फिश में कि वो जो है जो स्पाइंस हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और शार्प स्पाइंस होते हैं जैसे पॉर्क्यूपाइन के होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो पफर फिश होती है, ठीक है, जो पफर फिश होती है वो क्या करती है कि अपने आप को पूरा अच्छे से बलून की तरह फुला लेती है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जैसे वो बलून की तरह फुलाती है तो क्या होता है कि जो कांटे हैं वो खड़े हो जाते हैं ना, और अच्छे से खड़े हो जाते हैं पूरा। तो और नेचुरली फिर ऐसे में कोई भी प्रेडेटर अगर उस पर अटैक करेगा, है ना, कोई तो कोई दूसरी फिश जो उसको खाने लगेगी या कोई दूसरा जानवर जो उसको खाएगा, तो उसमें स्पाइंस ऐसे खड़े हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से कि वो जो प्रेडेटर है वो उसको अटैक नहीं करता है, और अगर करता है तो प्रेडेटर खुद उसके लग जाती है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ट्रंक फिश है उसमें क्या होता है कि ट्रंक फिश को कॉफर फिश भी कहते हैं, और उसमें जो प्लेट्स होती हैं वो इतनी मोटी होती हैं कि वो एक रिजिड बॉक्स बना लेती हैं, और उस रिजिड बॉक्स में से केवल और केवल पेक्टोरल फिन्स और टेल ही जो है वो मूवेबल स्ट्रक्चर्स की तरह दिखाई देती हैं, बाकी सारा का सारा एक तरह से ढका हुआ रहता है। और जो फिन्स और टेल हैं वो बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनको रेस्पिरेशन में और स्विमिंग में हेल्प करनी होती है, नहीं तो फिर वो मूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रंक फिश है उसका भी जो स्ट्रक्चर है और उसका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है या जो अडाप्टेशन है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी एक स्ट्रेंज तरीका जो है एवोल्यूशन में उन्होंने अपना लिया है। अब हम बात करेंगे पॉइजन ग्लैंड्स और स्पाइंस की। ये बड़ी हैरानी की बात है कि फिशेस में करीब 200 से ज़्यादा फिशेस में पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और उन पॉइजन ग्लैंड्स में सोने में, ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि उस पॉइजन ग्लैंड्स पे खुद तो ऐसा है ही जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, साथ में उसमें कांटे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसी फिशेस जो होती हैं उनमें क्यों ही अडेप्टेशन हुआ, क्योंकि वो काफ़ी स्लो स्विमर्स हैं या वो स्विम करती ही नहीं है एक जगह पे, किसी रॉक पे या किसी कोरल पे या किसी सैंड पे अपने आप को सेटल कर लेते हैं। और तो नेचुरली जब वो स्विम ही नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए भाग नहीं सकते हैं, तो उनमें कुछ ऐसा अडेप्टेशन हुआ जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। और वो अडेप्टेशन कईयों में किस तरह से हुआ कि उसमें पॉइजन ग्लैंड्स और उसमें भी उनको स्पाइंस जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल इसका मैं दे सकती हूँ आपको, जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं यूरोपियन वीवर का। वो क्या करती है, अपने आप को मिट्टी में दबा लेती है, ठीक है, और फिर उसमें जो पॉइजन्स जो स्पाइंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑपरक्यूलम पे और डॉर्सल फिन्स पे, तो उनको वो बाहर की तरफ कर देती है। तो नेचुरली जो भी कोई प्रे आता है तो उनको एक तरह से वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, नहीं तो फिर वो पकड़ में आ जाते हैं, और या अपने आप को वो मतलब जैसे अगर मान लो वो उस पर अटैक करने आ रहे हैं तो वो फिर उसका वो देख करके, वार्निंग सिग्नल देख करके भाग जाते हैं। कुछ जो जैसे स्कॉर्पियन फिश है, टोड फिश है, कैटफिश है, स्टार गेजर है, इन सब में जो पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं वो ऑपरक्यूलम और डॉर्सल फिन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। और इसी तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ फिशेस जो हैं उनमें स्पाइंस तो प्रेजेंट हैं लेकिन उनके जो ग्लैंड्स हैं दे आर नॉट वेनोमस, है ना, उसमें पॉइजन नहीं होता है या वेनम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है मॉन्क फिश एंगलर का, जिसको कि लोफियस भी कहते हैं, और इसके जो स्पाइन्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे एग्जाम्पल इसका भी दे सकते हैं अपन, एक ट्रिगर फिश का एग्जाम्पल दे सकते हैं,
जो ट्रिगर फिश होती है उसका जो कलरेशन होता है वो बहुत ब्रिलियंट होता है, और जो उसके जो कलर्स होते हैं वो भी जो है वार्निंग कलर्स होते हैं। तो इस तरह से जो ट्रिगर फिश है वो उसके जो फिन्स हैं जो उसमें स्पाइन होता है, और फिर वो कलर्स इस तरह से होते हैं ब्रिलियंट कलर्स के, वो एक तरह से वार्निंग सिग्नल देता है। कोरल फिशेस में एक प्रकार का टॉक्सिन होता है जिसको कि सिग्वेटेरा कहते हैं, जिसको कि सिग्वेटेरा कहते हैं। अच्छा, जो स्पीशीज़ फिशेस की जो पॉइजनस होती हैं वो रीफ में रहती हैं, कोरल रीफ में रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये है। और जो ट्रंक फिशेस और पफर्स होते हैं उनमें जो पॉइजन का जो नाम होता है वो होता है टेट्रोडोटॉक्सिन। और नेचुरली ये जो पॉइजन है दिस इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड कॉजेज डेथ ऑफ प्रेज एंड समटाइम्स कई बार मतलब ह्यूमंस की भी डेथ हो जाती है। इतने डेंजरस इनका टॉक्सिक टॉक्सिन जो होता है वो उतना डेंजरस होता है। फिर एक बात और है कि जो टॉक्सिसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द डाइट ऑफ द फिश, दैट डिपेंड्स ऑन द डाइट ऑफ द फिश, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, इट डिपेंड्स ऑन द डाइट ऑफ द फिश। तो इस तरह से जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं या जो स्पाइन्स हैं वो उसका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की। ठीक है, कुछ फिशेस जो होती हैं उनमें अलग तरह का स्पेशलाइजेशन होता है या अलग तरीके का अडाप्टेशन उसमें होता है, और वो होता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो केपेबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करने में। कहाँ पे? आउटसाइड द बॉडी, है ना। उनमें इस तरह से होता है कि वो जो जो भी इलेक्ट्रिक रेज जो भी वो प्रोड्यूस करती हैं या प्रोड्यूस करने में सक्षम होती हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि करंट होता है वो आउट मतलब अपने बॉडी के बाहर जो है वो उसको उत्पन्न कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं कि जो टीलियोस की फैमिलीज़ हैं, एक तो वो और दूसरा टॉर्पेडोज जो कि इलेक्ट्रिक रेज होते हैं, या फिर दूसरे रेज, उनमें भी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं अटैक करने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, और कुछ में जैसे वीक फील्ड्स भी होते हैं, तो वो जो वीक फील्ड्स होते हैं वो भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए भी होता है कई बार। जैसे कि मडी रिवर्स के अंदर जो फिशेस होती हैं वो अपना जो इलेक्ट्रिक रिसेप्शन या जो वो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल इलेक्ट्रो रिसेप्शन और कम्युनिकेशन के लिए कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी वाला फील्ड होता है वो उसको उस तरह से यूज़ करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय मॉडिफाइड मसल एंड प्लेट्स, है ना, बाय मॉडिफाइड मसल एंड प्लेट्स से वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है। नेचुरली अब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो शॉक की बात होगी होगी, तो स्ट्रॉन्ग शॉक्स जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं जब फिश या तो अटैक करती है या फिर कुछ जैसे प्रे कोई है जो डिटेक्ट हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग शॉक जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो वीक डिस्चार्जेस हैं जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया वो मेनली फॉर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मरीन फिश जो होती है वो इलास्मोब्रैंक्स होते हैं, और एक एस्ट्रोस्कोपस फिश होती है उसमें होता है, और स्टार गेजर में होता है। जो इलेक्ट्रिक रे है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रैंकियल मसल्स एंड इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, मतलब ब्रैंकियल मसल्स की मॉडिफिकेशन होती है और क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो उसको इनर्वेट करती हैं। और सोचो कि पानी के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करीब 50 वोल्ट्स का होता है। ठीक है, और इतना स्ट्रांग होता है कि जो बड़ी बड़ी फिशेस को भी ये अनकॉन्शियस या बेहोश कर देते हैं, और नेचुरली जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में वो उसको खा जाती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो रेज़ की होती हैं वो कहाँ होती हैं? टेल में होती हैं कुछ रेज़ की, और वो वीक होती हैं। ठीक है, और उसमें मुश्किल से
कुछ मिली वोल्ट्स का ही करंट उसमें होता है। और जैसे रेज की तो ये बात हो गई, फिर जो एस्ट्रोस्कोपस है वो एक प्रकार की एंगलर फिश होती है और वो मिट्टी में रहती है, और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आईज़ के पीछे। और नेचुरली आईज़ के पीछे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि जो मॉडिफिकेशन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का वो आई मसल से होता है, और उसका जो करंट होता है वो करीब 5 वोल्ट्स का करंट होता है एंड आर एक्टिव। और कब एक्टिव हो जाता है वो, जब उसके ऊपर से कोई छोटी फिश जो होती है वो निकलती है, और फटाफट जैसे ही वो छोटी फिश जिसको कि वो खा सकती है, जो उसका खाना होता है एक प्रकार का, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है जो कि 5 वोल्ट्स के करीब होता है, और उसको नेचुरली फिर वो जो सो करंट लगता है तो वो जो फिश है वो बेहोश हो जाती है और फिर ये इसका खाना हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक ईल होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरस, और वो शॉक प्रोड्यूस करती है करीब 500 वोल्ट्स का, करीब 500 वोल्ट्स का, तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और ऐसे जो जिम्नोटस होती है वो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। फिर एक इलेक्ट्रिक कैटफिश होती है मेलेप्टेररस, वो भी इलेक्ट्रिक ऑर्गन उसका ना जो है कहाँ होता है, बॉडी में जो स्किन होती है ना उसके अंडर होता है, तो वो भी थोड़ी सी इसका जो पॉइजन है वो खतरनाक ही होता है, डेंजरस होता है, रिस्की होता है। ठीक है, और इसी तरह से हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट उसकी फिश की हम बात करते हैं या उसकी इलेक्ट्रिक उसकी बात करते हैं, तो जो मसल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो फॉर्म कर रही हैं वो उनकी जो मॉडिफिकेशन का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है मसल्स जो मॉडिफाई हो जाती हैं ये अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनाती हैं या इलेक्ट्रोप्लेक्स इसके अंदर होते हैं, तो इस प्रकार से वो अपने जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं वो अपने आप को बचाने में यूज़ करते हैं, या फिर जो है प्रे को खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेडेटर को डराने या भगाने में या मारने में यूज़ करते हैं। फिर होता है इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। अब हम बात करते हैं कि कुछ फिशेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, और वो जो फील्ड्स जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो एक तरह से इलेक्ट्रो लोकेशन जो है उस वो उनमें फंक्शन आ जाता है इलेक्ट्रो लोकेशन का, है ना। तो साथ में ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स हैं है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उसमें। कुछ फिशेस जो होती हैं उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके जो सेट्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोलोकेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं और कुछ इनसेंसिटिव होते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं उनका करीब थ्रेशोल्ड होता है 0.2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर या उससे भी कम होता है, यानी कि जो वीक होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लेटरल लाइन ऑर्गन्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, और इनमें जो नर्व जो जाती है जो कि इसको सेंसिटिव बनाती है वो होती है 8th नर्व की जो ब्रांच होती है वो इसके अंदर जाती है, और अगर इस नर्व को काट दिया जाए 8th नर्व को, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी है वो फिर तो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जो रिसेप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है एम्प्यूलरी जो कि पोर से खुलता है और इसमें बड़े हाई रेजिस्टेंस वॉल्स होते हैं, तो होता है। दूसरा होता है ट्यूब्यूरस, जो ट्यूब्यूरस रिसेप्टर्स होते हैं दे आर क्लोज्ड बाय अ प्लग, है ना, प्लग से ये क्लोज्ड होते हैं, और जो ट्यूब्यूरस रिसेप्टर्स होते हैं वो फेजिक होते हैं। ठीक है,
और वो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए सेंसिटिव होते हैं। और एक और बात है कि जो रिसेप्टर्स का जो पैटर्न अरेंजमेंट होता है और जो उनकी जो लेंथ होती है या जो दूसरी जो करेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो फिश को एक तरह से डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिश के अंदर एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजनी एक सेंस ऑर्गन होता है जो कि इसके माउथ में प्रेजेंट होता है, तो जो ये होता है इसके अंदर कि अगर रिसेप्टर का स्टिमुलस अगर ग्रेटेस्ट है तो वो कब होता है, जब जो कैनाल है वो उसका जो ओरिएंटेशन है वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो उसका जो है हाई रेजिस्टेंस वाला करंट होता है। लेकिन अगर कैनाल का ओरिएंटेशन जो है वो परपेंडिकुलर है उस फील्ड से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, जो मतलब जो स्टिमुलस होता है वो ज़ीरो होता है। जो स्टिमुलस है वो ग्रेटेस्ट कब होता है, जब कैनाल का ओरिएंटेशन फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और ज़ीरो स्टिमुलस कब होता है, जब उसका जो रिसेप्टर का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से जो पैटर्न होते हैं इम्पल्सिस के, दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ फिशेज ओन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस। ठीक है, इट वेरीज विद द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स नियर बाय। समझ नहीं बात को? तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोलोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वीक ज़रूर होता है, लेकिन किसी न किसी रूप में फिश को हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे ल्यूमिनस ऑर्गन्स की। फिशेस में जो है वो ल्यूमिनस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उन फिशेस में प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रेट डेप्थ में रहते हैं या बहुत गहराई में रहते हैं, पानी की बहुत गहराई में रहते हैं। और जो फिशेस, ज़्यादातर फिशेस में जो ऑर्गन्स हैं वो ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरह से उनका जो डेवलपमेंट है वो पैरेलल एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं फिश को। एक तो सबसे पहले तो ये बात होती है कि फिश क्योंकि डेप्थ में रहती है, डीप में रहती है, तो वहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि फिश को जो थोड़ा बहुत आसपास जहाँ क्योंकि अंधेरा है, तो उस अंधेरे को जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स की लाइट है वो चीर सके और उसको थोड़ा बहुत समझ में आए कि वो कहाँ पर है। ठीक है, और जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स हैं ये एक तरह से रोज़ हैं शाइनिंग बीड्स के, यानी चमकने मोतियों की लड़ी होती है ये। और इसके जो कलर्स होते हैं वो बड़े डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिश में ब्लू ग्रीन कलर होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फिश के साइड्स में और फिश के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब जैसे कुछ स्पीशीज़ होती हैं उसमें जो लाइट होती है वो क्यों किस वजह से होती है कि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ल्यूमिनस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और उनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, जो स्किन का मूवमेंट होता है उस पे डिपेंड करता है ना, उससे कंट्रोल होता है रादर। ठीक है, और या फिर जो पूरा जो ऑर्गन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, या फिर क्रोमेटोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो प्रेजेंस है बैक्टीरिया का, ये डिपेंड करता है कि भाई कहाँ पर ये प्रेजेंट है। कुछ टीलियोस के अंदर सेल्फ ल्यूमिनस फोटोफोर्स होते हैं, और ये भी लाइट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइनेक्स इसका एग्जांपल है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड्स और दे आर प्रोवाइडेड विद रिफ्लेक्टर्स ऑफ क्रिस्टल्स। और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके क्रिस्टल्स होते हैं, ग्वानिन के क्रिस्टल्स होते हैं, और कई में तो लेंसेज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि
लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। और ये जो इनकी जो लाइट होती है ल्यूमिनस ऑर्गन्स की, दे कैन बी फ्लैश्ड ऑन एंड ऑफ, आप उसको ऑन कर सकते हो, फिर बंद कर सकते हो, फिर खोल सकते हो, फिर बंद कर सकते हो, तो इस तरह से होता है। और ये किस वजह से होता है? सिंपथेटिक नर्व स्टिमुलेशन के कारण ये होता है, ठीक है। और ल्यूमिनस ऑर्गन्स जो होते हैं दे सर्व फॉर प्रोटेक्शन, नंबर वन प्रोटेक्शन के लिए होते हैं एक तो ये, दूसरा सेक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इनका फंक्शन होता है, और उसमें भी डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंट पैटर्न्स की वजह से होता है, डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और अटैकर्स को भी ये जो है डरा देते हैं उनकी अपनी लाइट से, और उनको जो है वो भगा देते हैं, लाइट से डर जाते हैं दूसरे जो अटैकर्स होते हैं, वो बच जाता है, इस तरह से प्रोटेक्शन के भी काम में आता है, ठीक है। और जो जैसे एक डीप सी जो एंगलर फिश होती है, उसमें क्या होता है कि जो उसका फिन होता है ना, उसके टिप पर ल्यूमिनस सब्सटेंस होता है जो कि ल्योर की तरह काम करता है, और जो प्रे जो उसका खाना है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ में फिशेस के अंदर जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स होते हैं वो फिश की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिश को एक तरह से उसको फिश की जो आउटलाइन है बॉडी को उसको बचाने में कोशिश करते हैं। और कुछ में जो फोटोफोर्स होते हैं वो ईसोफेगस और रेक्टम की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो कि पूरे फिश की जो अंडरनीथ वाली साइड होती है उसको इल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और नेचुरली जो कई बार जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स हैं वो कैमोफ्लेज में भी काम आता है, कैमोफ्लेज में भी काम आता है। इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है, जो फिफ्थ पार्ट है, ये यहीं पे होता है, ख़त्म होता है। अब अगला हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कलर्स ऑफ फिशेस और बायंसी, स्विम ब्लैडर, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।